कानपुर में बीते 30 जून को सराफा व्यापारियों के साथ बंधक बनाकर डकैती के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद मुरली मनोहर जोशी ने सराफा कारोबारी के परिवार वालों से मिले और उनके हालचाल जाना। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जिसका उदाहरण मथुरा में अपने आप देख चुके हैं। आप हजारों लोग कैसे सार्वजनिक जमीन को अपनी जागीर समझ बैठे थे और उनके पास हैंड ग्रेनेड और काफी मात्रा में असलहे मौजूद थे और वो सरकार के विरोध में काम कर रहे थे। कैराना में जो हो रहा है इससे ये पता चल रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 7 जुलाई से 15 जुलाई तक हम प्रदेश के सभी थानों में प्रदर्शन करेंगे जिससे सरकार पर दबाव बनेगा। चारों तरफ की घटनाओं को देख करके एक नीति बनाती है और अभी भी आप देखेंगे कि 7 तारीख से 15 जुलाई तक सारे प्रदेश में हर थाने पर इन्हीं कांडों को लेकर के धरने दिए जाएंगे और सरकार पर दबाव डाला जाएगा। पार्टी केवल एक शहर की तो होती नहीं है, पार्टी पूरे प्रदेश को ध्यान में रख के योजना बनाती है और ये बड़ी योजना बनाई है, इससे शुरुआत है और आगे और इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे जिससे प्रशासन पर दबाव होगा कि इन घटनाओं को रोकें।